सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 1 to 6 चैप्टर नंबर करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 1 to 6 करा दिए हैं सभी चैप्टर्स। कोई प्रॉब्लम हो चैप्टर नंबर 1 to 6 से रिलेटेड, या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, या फिर कोई किसी रैंडम पॉइंट में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे क्लियर कर दूँगी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 7। और बहुत ही जल्द हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, विद इन अ वीक एंड और समथिंग नेक्स्ट मंडे तक हो जाएगा आपका। सो देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। क्या मतलब है हमारे चैप्टर के नाम का, पहले आप एटलीस्ट इसका नाम क्लियर करना ज़रूरी है आपको, तभी आप समझ पाएंगे। सो देखिए, लीगल और एथिकल एस्पेक्ट, तो हम लीगल एस्पेक्ट को और एथिकल एस्पेक्ट को अलग कर देते हैं। लीगल एस्पेक्ट वो एस्पेक्ट्स हैं जो एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो कि इलीगल है, मतलब लीगल है, आपको इन बियॉन्ड, मतलब वो लिमिटेशंस बना दी है एडवर्टाइजमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने, इनसे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। सिर्फ आपको इसी दायरे में रह के आपको काम करना है। अगर लीगल एस्पेक्ट्स के दायरे से बाहर होकर कोई एडवर्टाइजमेंट बनती है, दिखाई जाती है, या फिर उसके प्रति किसी को, किसी कास्ट को, किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को नुकसान हो रहा है, तो वो एक बैन है, वो इलीगल एडवर्टाइजिंग है, जिसकी उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, भरपाई करनी पड़ेगी। और एथिकल एस्पेक्ट क्या है एडवर्टाइजिंग के, एथिकल वो एडवर्टाइजिंग एस्पेक्ट है जो आपके मॉरल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आपका कल्चर, आपकी वुमेन एम्पावरमेंट, आपकी एडवर्टाइजिंग, आपका खाने का नज़रिया, आपका पहनने का नज़रिया, आपका बैठने का नज़रिया, ये सब आपके एथिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया है कि हमारे एथिकल एस्पेक्ट एंड लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए, एडवर्टाइजिंग कोई वेस्ट नहीं है, बेनिफिट है आपके मैन्युफैक्चर को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, आपकी सोसाइटी को, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल है मास कम्युनिकेशन। अगर आपकी लार्ज ऑडियंस है, आप उनसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। एडवर्टाइजिंग के कुछ इकोनॉमिक, सोशल, मॉरल ऑब्जेक्टिव हैं जो एडवर्टाइजिंग के एंगेज्ड है। कुछ ऐसी अनट्रूथफुल, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग है जो हमें, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड करती है, इवन बाय शोइंग वल्गर ऑब्जेक्ट्स एंड इंटेंसिव एड्स, जो कि हमारी मॉरल लेसिस पर काफ़ी गलत इफेक्ट पड़ता है, और जो हमारी एडवर्टाइजिंग के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है, जो उसके लीगल रेगुलेशन है बनाए गए हैं। तो लीगल रेगुलेशन क्या है जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ये है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन MRTP एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ड्रग, बहुत सारे एक्ट हैं, वो हम अभी रीड करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मॉरलिटी है, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें साइलेंटली उन इश्यूज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ रहा है जो हमारे स्टैंडर्ड को, जो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स को एश्योर नहीं करते हैं, और जो हमारे एथिकल्स एस्पेक्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करे हैं जो इन्हें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उन्हीं एडवर्टाइजर को वही फॉलो, शुड फॉलो सम मॉरल स्टैंडर्ड्स, उसको करने ही पड़ेंगे। ASCI मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने एथिकल्स ग्राउंड्स बना दिए हैं, फ्रेम कर दिए हैं कि उसमें फॉलोड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए, नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, हमारा 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री में वर्ल्ड है ये, जो एडवर्टाइजिंग में काफ़ी काम आता है, हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे काफ़ी चेंजेस लाता है, हमें अवेयर करता है प्रोडक्ट्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। जो हमारे एथिकल इकोनॉमिकल ऑब्जेक्शन है वो रेज्ड है हमारे एंगेज्ड एडवर्टाइजिंग। हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट और कस्टमर के वेलफेयर के लिए उन्होंने कुछ फ्रेम्स डिज़ाइन करे हैं जो रेगुलेट करे हैं एडवर्टाइजिंग, कुछ ये रीज़न है। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टू चेक एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग एडवर्ट्स, टू चेक अनट्रूथफुल एंड डिसेसिव एड्स, मतलब हमारी सोशल इवर और डस्ट और कल्चर को कोई डू नॉट गिव बर्थ टू इनको, डू नॉट डिग्रेड द डिग्निटी ऑफ वुमेन, उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट आर नॉट एडवर्टाइज, जो भी हमारे बैंड प्रोडक्ट है उनकी कोई ऐड नहीं होगी। अंडरग्रेड प्रोडक्ट को कोई कोई सप्लाई नहीं होगी। जो हमारी रूटीन लाइफ को रुकावट लाते हैं उन, वो ऐसे कोई ऐड नहीं होगी, जैसे कि लाउड स्पीकर, वल्गर पोस्टर, पेंटिंग्स, परमिशन,
ओनर ऑफ बिल्डिंग, इनसे विदाउट मतलब इन सब से आपको इन सब से रिमूव करना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करना होगा ताकि पीपल उसे फॉलो करें, जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर फ्री करें इन सब से। डू नॉट प्रमोट मेडिसिन विदाउट टेकिंग ओनली द डॉक्टर रिकमेंडेशन, जब तक डॉक्टर से रिकमेंड ना करें आपको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। जो आपके कास्ट क्रीड रिलेशन से एज ऐड हो वो भी आपको नहीं देखनी है, वो ऐड भी नहीं करनी। फ्रेंडली रिलेशन एंड फॉरेन नेशन वाली इफेक्ट को इफेक्ट करे वो वाली ऐड भी नहीं करनी। कोई फॉर्म ऑफ आप किसी भी फॉर्म ऑफ न्यूज़ में ऐड नहीं दे सकते हैं। जो आपके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उनकी डेकोरेटिव रिमार्क्स को यूज़ नहीं कर सकते, आप खुद का आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लीगल रेगुलेशन एंड कंट्रोल। 1 अगस्त को MRT एक्ट आया था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का, जो कि आपका गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड 1987 में कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग ऑन दूरदर्शन आपका आ गया था। तो दीज आर द लीगल रेगुलेशन जो हमने फॉलो करनी है। सबसे पहले आपका एक्ट आया है लीगल रेगुलेशन ऑन अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस। अनट्रेड फेयर पे मतलब जो मिसलीडिंग एंड डिसेसिव ऐड है, मतलब दिखाया कुछ और जाता है और एक्चुअल में होता कुछ और है, ऐसी एड्स को हमें फाउंड करना है और डायरेक्टली इमिजिएट करना है कि ऐसी ऐड को विड्रॉ कर दे, उन्हें रिपीट ना करे, इशू को करेक्टिव ऐड बनाए, नेसेसरी क्लैरिफिकेशन बनाए और जो भी उसने डैमेजेस किए हैं चीट करने में अपने कंज्यूमर्स को अपनी सोसाइटी को, उसके उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और जो उसे फाइन लेबल लाइबल हुआ है वो भी उसे पे करना पड़ेगा और एबॉलिश करना पड़ेगा MRT एक्ट्स के अंडर। और जो ये सारे उसने पावर रिकॉर्डिंग इंगेस्ट करे हैं उस कंप्यूटर को कंज्यूमर कोर्ट में, उन सबको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस कौन कौन से होंगे देखिए, जो पर्टिकुलर गुड और की स्टैंडर्ड क्वालिटी ग्रेड्स को मॉडल से रिप्रेजेंट नहीं करें, मतलब कह तो आपको वो कह रहा है कि आधी किलो का बट उसमें है सिर्फ 200-250 ग्राम, तो दीज आर द अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस। सेकेंड हैंड चीज़ों को दिखा के न्यू वन दिखा के, मतलब सेकेंड हैंड चीज़ है पर उसको नया दिखा के वो सेल कर रहा है, दिस इज अनट्रेड फेयर। किसी को भी स्पॉन्सर बना रहा है, कोई भी आपको यूजफुलनेस प्रोडक्ट दे रहा है मतलब विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, कोई लेबोरेटरी से नहीं दे रहा है, कोई भी लेंथ जो कोई गारंटी नहीं दे रहा है, कोई वारंटी नहीं दे रहा है, जो मिसलीडिंग अबाउट स्कीम आपको मिसलीड कर रहा है डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट दे रहा है पर ओरिजिनल प्राइस पर ही दे रहा है, आई वॉश कर रहा है आपकी, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं यूज़ करना जो आपको एक्चुअल में ऐसा अप्रूव्ड एक्चुअल में प्रूव ही ना हुआ, जैसे कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट सपोर्टेड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर सर्टिफाइड, ये सारे वर्ड्स आप तभी यूज़ करेंगे जब आपके पास एक्चुअल में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट हो, जब है ही नहीं तो आप कहाँ से इनको यूज़ कर रहे हो। नेचुरल, कोलेस्ट्रॉल फ्री, फैट फ्री, इन सब का भी आप यूज़ नहीं करेंगे जब तक आपके पास फूड एंड सप्लाई लेबोरेटरी की लैब की रिपोर्ट नहीं होगी और कोई नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट की प्रोडक्ट आप नहीं देंगे, डिस्क्लोज करेंगे उनको, ठीक है। दीज आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो कि आपकी बताई गई हैं, इन सबको रिमूव करना है। एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि मेडिसिन है दे दी भी आपका इससे फैट कम हो जाएगा, बट आपके पास रिपोर्ट कहाँ है उस दवाई की, कहाँ से टेस्टेड है ये ऐसा होगा, इस तरीके से। रेडीमेड कपड़े कह रहे हैं कि आप ले लीजिए ब्रांडेड है कभी फेड नहीं होगा, बट आप वन वॉश कर रहे हो वो फेड हो जाता है, कह देते हैं वन स्पून में आपके सारे घर के बर्तन धो सारे घर के कपड़े धोएंगे, ऐसा कोई वॉशिंग पाउडर आज तक बना नहीं, अगर बना है तो उसकी लैब रिपोर्ट दिखाइए। तो दीज आर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या है, आपको जो एथिकल है इलीगल मैन प्रैक्टिस है उनसे आपको रिमूव करता है, एक्सप्लोइट करता है। कुछ आर्टिफिशियल सिक्योरिटी ऑफ गुड्स है जो एडल्ट्रेशन है या फिर वेट मेजर्स हैं या फिर मिसलीडिंग है, वो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको गलत ऐड से डिसेस मतलब धोखे धड़े वाली ऐड से या फिर बेट ऐड से या फिर फेक ऐड से आपको बचाने की कोशिश करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कैसे आपको ऐड मतलब कैसे वो धोखा दे रहा है, जैसे कि सब स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स, डुप्लीकेट गुड्स, इन तरीके से जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, इन तरीके के ऐड कर रहा है या फिर रिडल्सर ग्यूमर ग्रीवेंसेज है, इस तरीके से आपको गलत दे रहा है, जैसे नेशनल स्टेट लेवल के कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, कहीं कहीं से आपको ला के दे रहा है, कोई प्लेन नहीं है, पेपर विदाउट एनी कोर्ट फी दे रहा है, मतलब दीज आर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं जिन जिन से आपको वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है ड्रग मैजिक
ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजिंग एक्ट 1954 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पहले आया था, इसके अंडर क्या है, जो ड्रग सोल्व करते हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना पब्लिक मीडिया में, वो बैन है। शेड्यूल ड्रग प्रमोट करे जा रहे हैं सेल्स प्रमोशन मेथड के थ्रू, जैसे डॉक्टर डीलर एडवाइस कर रहे हैं मेडिकल जर्नल, बट नॉट इन पब्लिक मीडिया। डॉक्टर सिर्फ आपको तभी देते हैं दवाई, उसको पता है उसमें अल्कोहलिक है, उसमें पता है उसमें ड्रग है, बट वो आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग देते हैं, उसके ग्राम के अकॉर्डिंग देते हैं, ना कि ऐसे मीडिया में एक्ट करके। जो आपकी जैसे कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि प्रॉमिस करते हैं प्रेगनेंसी अबॉर्शन के, या फिर मैडनेस को रिमूव करने के, या फिर ब्लैक मैजिक को रिमूव करने के, तो दीज आर द मेथड टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम विद ड्रग्स, बट इन सब की एड तभी दिखाओ जब आपके पास मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हो या डॉक्टर की कोई रजामंदी हो, अगर वो नहीं है तो आप ये ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इस ऐड में, बाकी हम रिमेनिंग लीगल एक्सपेक्ट्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो गया, आज इंट्रोडक्शन में ही सारा चला गया, बट आपके लिए इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले दे दिया। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और वीडियो को एंड तक सुना करो, अच्छे से सुना करो, और फिर ही कुछ कमेंट किया करो, ठीक है। सो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।